ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 23 मई 2019 गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र एवं धनु राशि में चंद्रमा दोपहर 12:10 तक रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा धनु राशि में दोपहर 12:10 तक, उसके बाद मकर राशि में, मंगल ग्रह मिथुन राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ कर्क सिंह और धनु, ये 5 राशि वालों को गज केसरी योग का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इनको राजपाट या कोई विशेष पद प्राप्ति का उत्तम योग बनने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बहुत से काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आपका अच्छा असर लोगों पर होगा। जो काम और बातें अटक रही है उनके बीच में कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। कामकाज में सफलता का योग है। आपके पास ऑफिस या अपने कार्यक्षेत्र से लेकर बहुत काम रहेंगे। बहुत सारा काम निपटाने की आप कोशिश भी करेंगे। मन लगाकर काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। जीवन साथी से मदद मिलने का योग है। घर के मामले सुलझा लेंगे। सबसे विनम्र होकर के बात करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कानूनी मामलों पर आपको सही सलाह और सही समय पर सफलता मिलने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज ऐसे काम पूरे हो सकते हैं जिनके बारे में आप पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूरी होगी। अपनी कोशिश में आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए स्थान पर आप जा सकते हैं। मीठा बोलकर सारे काम पूरे करवा सकते हैं। सफलता मिलने का योग है। किस्मत का साथ मिलेगा। दूसरों की जरूरतों और मूड का अंदाज आप आसानी से लगा सकेंगे। अपने आप पर भरोसा रखें और उपाय के रूप में घर में, मंदिर में यदि आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है और उन मामलों को टाल दे जिनको निपटाने में आप परेशान हो रहे हैं। किसी नजदीकी दोस्त से मुलाकात होने से आपको संतोष बना रहेगा। जरूरी काम निपटाने में कुछ लोगों की मदद मिलेगी। बहुत बड़ा कदम उठाने में आप सफल हो जाएंगे। किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले। शारीरिक परेशानियां समाप्त हो जाएगी। बिजनेस में अच्छी स्थिति बन सकती है। कोशिश करने पर रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। दिखावे से दूर रहे। ऑफिस में गलतफहमी या टकराव की स्थिति बन सकती है। आपसी मतभेद के कारण जो है आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। उपाय के रूप में लाल रंग का कुमकुम यदि आप देवी जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। परेशानी में खुद को संभाल ले। ऑफिस में विपरीत परिस्थिति का सामना करने में आप सफल रहेंगे। विवादों के कुछ मामले से दूर रहने का प्रयास करें। कुछ विवादों में समझौते भी होंगे। पैसों के क्षेत्र में प्रगति होगी। पुराने अटके हुए मामलों में गति आएगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऑफिस में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। कुछ मामलों में जीवन साथी से अनबन होने की संभावना है। घर की उलझनों के कारण काम पर ध्यान देने में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों के पुराने अनसुलझे मामले आपके सामने आएंगे और उपाय के रूप में गणेश जी को यदि लड्डू चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। रोजमर्रा और पार्टनरशिप के काम आपके पूरे हो जाएंगे।
दोस्तों और भाइयों की मदद मिलने का योग है। किसी तरह का कंफ्यूजन यदि चल रहा है तो वह समाप्त हो जाएगा। पैसों और अन्य मामलों में फायदे वाला दिन रहेगा। कामकाज में आप व्यस्त रहेंगे। आपके सामने कई जिम्मेदारी वाले काम आ सकते हैं। मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय रहेंगे। रोजमर्रा के काम में बदलाव की कोशिश आपकी रहेगी। अपने कामकाज में सुधार और विचार करने का दिन है। मनोरंजन पर पैसा आपका खर्च हो सकता है। कुछ कामों में बहुत देरी या परेशानी हो सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में नहाने के पानी में यदि आप थोड़ा सा चंदन डालेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आप किसी नतीजे या फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो शांति रखें, सब ठीक हो जाएगा। जो फैसला आज होगा उसका असर लंबे समय पर आपके ऊपर होगा। आज आप किसी सामूहिक या सार्वजनिक काम में शामिल हो सकते हैं। ऑफिस में अपने नियमित काम से हटकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे। मेहनत से सफलता मिलने का योग है। कोई बड़ा फायदा आपको होने वाला है। मन चाहे कामों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश आपकी रहेगी। बिजनेस के लिहाज से दिन अच्छा है। दिन भर सावधानी से काम करें। रिश्तों से जो है आपको कोई अच्छा मदद या अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कोई रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में पान चढ़ाना आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अपनी राय और बातों से आप ज़्यादातर लोगों पर अपना प्रभाव जमा पाएंगे। ऑफिस में अपने से छोटे लोगों की टेंशन आपको रहेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। उलझे हुए काम सुलझाने के लिए स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। सोचने के तरीकों में बदलाव होगा। दोस्तों से समय पर मदद मिलेगी। घर परिवार के काम निपटाने में आपका मन लगेगा। जोश में आकर किसी काम में जो है आप ज़्यादा जल्दबाजी न करें और लिमिट क्रॉस न करें, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। आपके लिए निजी पारिवारिक और कामकाजी जीवन में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन रहेगा। संभल कर रहना होगा। आपकी कुछ बातें सार्वजनिक हो सकती है। आपका पैसा न चाहते हुए भी कहीं खर्च हो सकता है या फंस सकता है, इसलिए आपको पैसों को लेकर के विशेष सावधानी की जरूरत रहेगी। परिवार में थोड़ी सी अशांति उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ाना आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। रोजमर्रा का कामकाज निपटाने के लिए अतिरिक्त कोशिश आपको करनी होगी। अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखें। उम्मीद और क्षमताओं में थोड़ा संतुलन बनाए रखें। अपने समय और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करें। आज इसकी जरूरत होगी। अपने ही दम पर शांत मन से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। स्थिति ठीक नहीं होने के कारण थोड़े दुखी हो सकते हैं। बुरे विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ी बेचैनी और चिड़चिड़ाहट रहेगी। आपके व्यवहार में लापरवाही हो सकती है। अनबन या विवाद का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप एक लाल रंग का फल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। रोजमर्रा के कामों में किस्मत का साथ मिलेगा। ज़्यादातर मामलों में दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के खास काम पूरे हो सकते हैं। आपके लिए पैसों के मामले खास रहेंगे। रोज के कामों की परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। इनकम सामान्य रहेगी। रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। पैसों के मामलों में कोई आपको जो है बेवकूफ़ बनाने की या ठगने की कोशिश कर सकता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। पैसों को लेकर अनबन चल रही है तो आप थोड़ा सा उसमें सावधानी जरूर बरतें। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि कच्चा दूध आप चढ़ाते हैं तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पैसा कमाने की कोशिश में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई पार्ट टाइम काम भी आपको मिल सकता है। अतिरिक्त काम के लिए किसी की मदद भी आपको मिलेगी। पुराने कुछ मामले जो है आपके अनबन यदि चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। दूसरों का नजरिया समझने की कोशिश करें। आपको कोई अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। आप लगभग हर चीज पर जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में यदि आप शहद चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन अच्छा है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेंगे तो फायदा होगा। ऑफिस में विपरीत परिस्थिति में भी आप जो है सभी विपरीत लोगों का सामना करने में सफल रहेंगे। और कुछ काम मामले ऐसे होंगे जिनका बहुत दिनों से आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, लाभप्रद सिद्ध होंगे। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होने का योग है।
उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश भी आपको मिल सकता है या कुछ मित्रों के माध्यम से भी आपको सहयोग मिलने का उत्तम योग बन रहा है। साथ ही आप नए स्थान की यात्रा करने के लिए भी तैयार रहेंगे और उपाय के रूप में यदि आप अपने छत के ऊपर पक्षियों को दाने डालेंगे और पानी रख देंगे पीने का तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। हिम्मत से बिगड़ी हुई स्थितियों को संभालने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अच्छे व्यवहार के कारण कुछ लोगों की मदद भी आपको मिलेगी। रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। ऑफिस के कुछ खास काम निपटाने में आप सफल रहेंगे। धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका विचार भी हो सकता है और उपाय के रूप में नींबू पानी पीना आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।